फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट स्टाइल एंड सत श्रीकाल। मैं हूं पिंकी और आज मैं जा रही हूं मीरा सिनेमा जो कि उल्हासनगर में है, उल्हासनगर सिटी में है, ठीक है, मुंबई उल्हासनगर सिटी। आप गूगल पे सर्च कर लोगे तो मिल जाएगा, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा कंप्लीट एड्रेस है। आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ एक्शन मूवी देखने जा रही हूँ जो कि आयुष्मान की फर्स्ट एक्शन मूवी है एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज आयुष्मान इज माई फेवरेट। एंड देखते हैं जितना हम लोग कैप्चर कर पाएंगे, रिव्यू कर पाएंगे। तो मैं मिलती हूँ आपको सीधा मीरा सिनेमा में। अब सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे मीरत सिनेमा में पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे काफ़ी धूप है, आप देख सकते हो बाहर का व्यू। और पार्किंग एरिया भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। 15 रुपीज़ आपको चार्ज होगा अगर आप टू व्हीलर से आ रहे हो, एक्टिवा बाइक, और अगर कार से आ रहे हो तो आई थिंक 30 या 40 रुपीज़ पार्किंग एरिया होगा। अब चलते हैं हम लोग टिकट काउंटर पे जो कि इस तरफ है। टिकट काउंटर से मैंने टिकट निकलवा दी। एक टिकट की प्राइस थी 130 रुपीज़ और मैंने दो टिकट निकाली। अगर आप बच्चों को लेके आ रहे हो तो 3 साल के ऊपर की बच्चे की टिकट लगेगी, आधी नहीं पूरी टिकट लगेगी। और टिकट उन्होंने मुझे मोबाइल में ट्रांसफ़र की थी जो कि मैंने मोबाइल में ही दिखाई थी उनको। और यहाँ पे मूवी स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि हम लोग 5 मिनट्स लेट पहुँचे थे। और टिकट दिखाने के बाद, पर्स वगैरह चेक करवाने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं थिएटर में। और यहाँ पे आयुष्मान की एंट्री हो चुकी है एंड द मूवी वॉज सो गुड इन द स्टार्टिंग। उसके बाद यहाँ पे इंटरवल हो चुका है और ये है कुछ थिएटर इस तरह का। मैं व्यू दिखा रही हूँ आपको, ज़्यादा लाइट्स तो नहीं जल रही यहाँ पे, लेकिन काफ़ी कम्फर्टेबल सीट्स आपको मिल जाएगी। और ये हूँ मैं अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पे जो कि मूवी इन्जॉय कर रही है। मूवी अच्छी थी बट आई थिंक स्टोरी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। जो फर्स्ट पार्ट था इंटरवल से पहले वो तो काफ़ी इंटरटेनिंग था, आप बिल्कुल भी बोर फील नहीं करोगे। लेकिन आफ्टर इंटरवल मुझे 10 to 15 मिनट्स मूवी बोरिंग लगी, लेकिन एंड वाज गुड। हीरोइन की कमी लगी, हीरोइन नहीं है मूवी में। एंड सॉन्ग्स भी आपको इस मूवी में सिर्फ 2 सॉन्ग्स मिल जाएंगे। यहाँ पे इंटरवल हो चुका है और हम लोग फूड काउंटर पे जा रहे थे कुछ लेने के लिए। स्पेशली मुझे तो कॉफ़ी चाहिए था तो हम लोग कुछ लेने जा रहे थे। और आप देख सकते हो पूरा थिएटर ऑलमोस्ट खाली पड़ा है। पूरे थिएटर में 15 से 20 लोग ही आए थे। आई डोंट नो, मे बी मूवी पसंद नहीं आई या मे बी आई डोंट नो। हम लोग मूवी रिलीज़ होने के 1 हफ्ते के बाद देखने गए थे सो आई थिंक लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आया। आप देख सकते हो पूरा थिएटर खाली है, लेकिन सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, पूरा एसी हॉल है तो आप जा सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एग्ज़िट वाले डोर से हम लोग बाहर आ चुके हैं और ये थिएटर काफ़ी ब्यूटीफुली बना हुआ है। फ़ोटोग्राफी आप कर सकते हो यहाँ पे, सेल्फी वगैरह क्लिक कर सकते हो। काफ़ी अच्छे सोफ़ा वगैरह रखे हुए हैं सो आप यहाँ पर फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। और हम लोग भी यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी ही कर रहे थे। हम लोग अभी फर्स्ट फ्लोर पे हैं लेकिन हम लोग जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे क्योंकि यहाँ पे जो फूड काउंटर है वो बंद है। ये स्क्रीन नंबर 2 है, ये सेकंड फ्लोर नहीं है। ये फ्लोर नंबर 1 है और स्क्रीन नंबर 2 है। तो हम लोग नीचे जा रहे हैं फूड काउंटर पे। आप देख सकते हो यहाँ वाला काउंटर जो है वो बंद है इसीलिए। और यहाँ से आपको शूट अलाउड नहीं है, स्पेशली फूड काउंटर 1st floor, 2nd floor, या 3rd floor का ये सिनेमा है, तीनों पे अलाउड नहीं है क्योंकि आई थिंक प्राइजेस वगैरह लोगों को दिख जाएगा इसीलिए। मैं भी जैसे ही उन लोगों ने देखा मुझे शूट करते हुए, उन लोगों ने मुझे कहा कि आपको वीडियो डिलीट करना पड़ेगा, शूट अलाउड नहीं है, आप यहाँ एरिया में शूट नहीं कर सकते हो। सो उन लोगों ने मुझे वो वीडियो वहीं पे डिलीट करवा दिया और मैं फ़ूड काउंटर का प्राइजेस या जो भी वहाँ पे मिल रहा था वो शूट नहीं कर पाई। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ वहाँ पे आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविचेस, समोसे, कॉफ़ी, शेक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी की बॉटल सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उनकी प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। आपको 2 समोसा 90 रुपीज़ में मिलेगा, 1 पानी की बॉटल 80 रुपये में मिलेगी, 1 पिज़्ज़ा आपको 350 में मिलेगा, पॉपकॉर्न 350 रुपीज़ है, कोल्ड ड्रिंक 250 रुपीज़ है। तो आप अपने बजट के हिसाब से परचेस करें। और मूवी ख़त्म हो चुकी है। एग्ज़िट ऑलवेज दूसरी तरफ होता है, दूसरी तरफ से हम लोग डायरेक्ट पार्किंग एरिया में बाहर निकलते हैं। सो ऑलमोस्ट सब थिएटर्स में ऐसे ही होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको अशोक अनिल थिएटर में लेके जाऊंगी जो कि आशीष चंचलानी सर का थिएटर है। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं वहाँ का व्लॉग शूट करूँ। समझ
फिर से फोटो कटना आई थिंक उधर से निकलेंगे ना हम लोग मूवी ख़त्म हो चुकी है अब यहाँ से हम लोग अपनी गाड़ी ले लेंगे उसके बाद मैं मिलती हूँ सीधा आपको घर पे और मैं आपको बताती हूँ कि मूवी कैसी थी फाइनली बैक टू होम द मूवी वॉज सुपर्ब ऐसे कह सकते हैं कि वन टाइम वॉच जिनको आयुष्मान नहीं पसंद है या जिनको एक्शन नहीं पसंद है बेसिकली क्योंकि ये मूवी ज़रा सी भी रोमांटिक नहीं है फुल ऑन एक्शन धमाका है और आयुष्मान की एक्टिंग वो सुपर्ब सुपर से भी ऊपर स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पार्ट है द मूवी वॉज सुपर्ब आफ्टर इंटरवल थोड़ा सा 5 to 10 minutes आपको बोर कर सकती है मेरे को तो बोर किया 5 to 10 minutes बट एंड वॉज द लाइक धमाका जो नहीं सोचा था वो हो गया एंड वॉज जस्ट टोटली धमाका द मूवी वॉज गुड देख सकते हो बट आई थिंक इट्स अ वन टाइम वॉच मूवी बाकी बेस्ट है कैसा लगा थिएटर और जो नीचे वाला फूड कोर्ट था वहाँ पे शूट अलाउड नहीं था मैंने फिर भी शूट किया है छुप के अगर आप करना चाहते हो कभी भी जा रहे हो शूट कर रहे हो या फोटोग्राफी वहाँ पे नीचे अलाउड नहीं है बेसिकली उनके जो फूड रेट्स हैं वो दिख जाएंगे ना लोगों को द फूड इज़ वेरी कॉस्टली एंड द टेस्ट इज़ वेरी बकवास कॉफ़ी समोसा या जो भी है टेस्ट वॉज वेरी बकवास आई मीन 80 rupees की एक आपको वाटर बॉटल मिल रही है पानी की बॉटल एक आपको 80 rupees की मिल रही है सो एक्सपेंसिव ना पब्लिक को इस बात के लिए डेफिनेटली आवाज़ उठानी चाहिए एक के बोलने से तो कुछ होगा नहीं मिल के सब कुछ करो तो हो सकता है कुछ क्योंकि 80 rupees इज मोर हायर देन हायर प्राइस वो मूवी का जो स्टोरी है वो तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि सस्पेंस खराब हो जाएगा जिन लोगों ने देखी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म करना बाकी मुझे तो स्पेशली आयुष्मान बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा एक्शन में भी ही वॉज जस्ट परफेक्ट एंड मूवी में हीरोइन की कमी लगी दैट वॉज अ माइनस पॉइंट बट द मूवी वॉज गुड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बाय बाय टेक केयर सत श्री अकाल